क्षेत्रों के उपचुनाव कर लो सा राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख शायद नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 तारीख को चुनाव हैं। 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को मुख्यमंत्री के चयन, मंत्रिमंडल का गठन, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीजों में निराशा हाथ लगी है। कहीं भी जो वादा किया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है और ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित में पहुंची और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके कैबिनेट मंत्री ये हाथ जोड़ के कहता है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, लेकिन आज तक उनके इस्तीफे का कोई फैसला नहीं आया। एक दिन मंत्री की डिजायर लेटर पैड में साइन करते हैं, दूसरे दिन विधायक पे करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं, और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो SI पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग बागों के एक जुबान पे आ गया कि ये सर्कस है और अब यूटर्न सरकार बन गई है। और यूटर्न सरकार इसलिए बन गई कि एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यूटर्न ले लिया। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यूटर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं।